बैतूल की सारणी जो कि औद्योगिक नगरी के लिए जानी जाती है, आजकल बदमाशों के आतंक का पर्याय बनती जा रही है। दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, इससे जहां इलाके और कोल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं कोल कर्मी रास्ता रोक कर लूटपाट मारपीट की घटना से खौफजदा हैं। हालात यह है कि रात्रि पाली में ड्यूटी आवागमन करने से कोल कर्मी डर रहे हैं। शनिवार रात करीब 12 बजे छतरपुर जोड़ से छतरपुर टू खदान के बीच नकाबपोश बदमाशों ने ड्यूटी से घर लौटने और ड्यूटी जाने वाले कोल कर्मियों के वाहन पर पथराव किया। वाहन रोकने पर बदमाशों ने 5 कोयला कर्मचारी व अधिकारियों के साथ बहरहमी से मारपीट की, मोबाइल व रुपए छीनने का प्रयास किया, 2 कार व 2 मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की, वाहनों की बैटरी भी निकाल ली। नरेंद्र साहू, चीकू, राजेश शर्मा, सुनील पवार, अरुण धमाके, आधी रात को उनके साथ हुई लूटपाट और मारपीट की घटना से अपराध दर्ज कराने का घटना को अंजाम देने वाले बदमाश 15 से 20 की पहली बदमाश खदान पर वारदात करते थे, लेकिन अब तो इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो गए हैं इन बदमाशों के कि रास्ता रोककर लूट और मारपीट जैसी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पैर पे मारा मेरे को पत्थर से और गाड़ी गिर गई, गाड़ी गिरा दी मेरे पैर के ऊपर, और फिर ये मोबाइल में उनसे छीनने लगा था, फिर मैं से छीना झपटी करके फिर मेरे को मारने लगे, तो मैं जैसे तैसे मोबाइल खींचा उनके पास से और मैं भागने लगा था, फिर पीछे से फिर पथराव किया, तो मैं थोड़ा भागा तो मेरे को कहाँ चोटें आई हैं आपको? चोट मेरे पैर में लगी है ज़्यादा, और यहाँ आँख पे, और इधर पीछे कमर पे, और ये कंधे पत्थर से वार किया हमने। जिस समय आपके साथ घटना हुई, क्या आप अकेले थे कि और भी? मैं अकेले, सिंगल गाड़ी। हाँ, क्या कितने लोग थे वो लोग, और क्या उनके पास में हथियार वगैरह थे? उनके पास हथियार तो नहीं, हाथ में पत्थर लेके, और कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ लोग हाथ में पत्थर पकड़ के ऐसा मार रहे थे। लगभग कितनी संख्या में लोग होंगे? वो 8-10 जने तो वहाँ फिलहाल में तुरंत चौक पे थे, और फिर आजू बाजू और भी छुपे हुए थे बोले तो, वो उसका पता नहीं, पर 8-10 जने तो क्लियर थी। क्या लगता है आपको, योजनाबद्ध तरीके से ये घटना हुई है? योजनाबद्ध तरीके से हुई है, क्योंकि 8-10 जने थे, 8-10 जनों में योजनाबद्ध तरीके से घटना हुई। मैंने फोन किया, 100 नंबर डायल किया, तब आधा पौन घंटे बाद पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वाले आने के बाद में फिर हम लोग आए, तो मेरी गाड़ी वहीं पे पड़ी थी, और उसकी बैटरी वगैरह क्या क्या तोड़ा ताड़ी कर दी उसने, और गाड़ी वहीं पड़ी थी, और फिर मैं हॉस्पिटल लाया एम्बुलेंस से। WCL प्रबंधन और पुलिस से अब आपकी क्या मांगे हैं? WCL प्रबंधन और पुलिस से मेरी यही मांग है कि मेरे साथ जो हुआ कल में मेरे साथियों के साथ हो सकता है, तो उसके लिए सुरक्षा देनी चाहिए, और कल में मेरे साथ या मेरे भाई किसी के साथ दुर्घटना जो घटी है वो किसी के साथ ना घटे, ताकि उनके भी परिवार परेशान हो, मेरा परिवार तो हो ही रहा परेशान। पोस्टर न्यूज के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।